सलमान खान के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 14 में इस बार 3 सीनियर्स की एंट्री हुई है, हिना खान, सिद्धार्थ शुक्ला और गौहर खान। अगर बात करें हिना खान की तो वो टीवी इंडस्ट्री की टॉप मोस्ट एक्ट्रेस में से एक है। अभी हाल ही में हिना खान ने नागिन सीजन 5 में एंट्री की थी और उनके एंट्री भर से शो की टीआरपी आसमान छूने लगी थी। हिना खान कसौटी जिंदगी के सीजन 2 में भी कोमोलिका के रूप में नजर आई, लेकिन वहीं अब हिना खान ने सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि हिना खान ने अक्षरा के किरदार से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इससे उन्हें छोटे पर्दे पर काफी पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन वहीं अब एक इंटरव्यू के दौरान हिना खान ने इस शो को लेकर यह बयान दिया है कि शो ने दर्शकों के बीच उनकी इमेज को रूढ़िवादी बना दिया था जो उन्हें पसंद नहीं था और इस इमेज को वो तोड़ना चाहती थी और फिर उन्होंने शो छोड़ने का फैसला किया। जी हाँ, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक एंटरटेनमेंट पोर्टल पिंक विला को दिए अपने इंटरव्यू में हिना खान ये रिश्ता क्या कहलाता है को लेकर अपनी राय रखी है। हिना खान ने अपने एक्टिंग करियर और संघर्षों के बारे में बातें की हैं। इंटरव्यू के दौरान हिना खान कहती है कि उन्हें अपना पहला टेलीविजन शो सिर्फ एक ही ऑडिशन में मिल गया था जो आसान नहीं होता, लेकिन इसके बाद उनका संघर्ष शुरू हुआ और उनकी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आए। उन्होंने लंबे समय तक सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है किया। उस दौरान उन्हें कई फिल्मों के ऑफर मिले, लेकिन इसके लिए उन्हें मना करना पड़ा। हिना खान ने कहा कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है करने के दौरान उन्होंने कई सारे चांस मिस कर दिए, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने शो छोड़ आगे बढ़ने का फैसला किया तो ये उनके लिए आसान नहीं था। आगे हिना खान ने कहा कि असल में उनका स्ट्रगल तब शुरू हुआ जब उन्होंने ये शो छोड़ा और फिल्मों में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। उन्होंने 8 सालों तक सीरियल रिश्ता क्या कहलाता है में काम किया, लेकिन उन्हें कोई बड़ी फिल्म ऑफर नहीं हुई। वहीं सीरियल में अपनी लंबी पारी के बारे में दर्द बयां करते हुए हिना खान ने कहा कि एक बार उन्हें एक बड़े प्रोड्यूसर ने उनसे कहा था कि हिना, मैं तुम्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता हूँ, लेकिन जब मैंने इंटरनेट पर जाकर देखा तो मुझे तुम्हारे सिर्फ ये रिश्ता क्या कहलाता है के वीडियो ही देखने को मिले। हिना खान कहती हैं कि प्रोड्यूसर की ये बात उनके अंदर घर कर गई, उन्हें एक तरह से झकझोर दी और ये सारी चीजों ने उन्हें बिल्कुल बदल कर रख दिया। आपको बता दें कि हाल फिलहाल हिना खान की फिल्म हैक्ड रिलीज हुई थी। हालांकि ये थिएटर में तो कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काफी सफल रही। इसको लेकर भी हिना खान ने ये बयान दिया था कि वे स्टार किड नहीं है, इसलिए ज्यादा लोग थिएटर जाकर उनकी फिल्में देखने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। हिना खान ने कहा था कि उनमें भी काबिलियत है, उन्हें मौका दें, वो भी अच्छा करेंगे। हिना खान इसके अलावा धीरज धूपर के साथ म्यूजिक वीडियो हमको तुम मिल गए में भी नजर आएं।